नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय वसई विरार महानगर पालिका का बुलडोजर गरज रहा है बल्कि बरस रहा है। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में बल्कि पूरे के पूरे वसई तालुका में हाईवे को लगकर अनाधिकृत बांधकाम काफी ज्यादा बढ़ गया और इसका प्रभाव अभी हाल ही में पिछले सप्ताह में जब तेज बारिश हुई थी तब देखने को मिला। बांधकाम अवैध होटलें जो बनाई जाती है इसमें ये लोग काफी सारा अनाधिकृत बांधकाम तो करते ही है। अब हाईवे के ये कुछ नजारा देख रहे हैं जहां कार्यवाही हो रही है। ये कार्यवाही अभी पिछले दो दिनों में वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति वाल्यू प्रभाग समिति जी और दूसरे प्रभागों ने मिलकर संयुक्त रूप से की है। आप सभी को मालूम है कि पिछले सप्ताह में वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ये हाईवे के एरिया में काफी पानी भर गया था और तीन दिनों तक लगातार ट्रैफिक की समस्याएं बनी रही थी। उसी के मद्देनजर पालघर जिलाधिकारी ने वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर इन अनधिकृत बांधकाम पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे और उसी का पालन करते हुए महानगर पालिका आयुक्त के आदेश पर यह कार्यवाही की गई। हम सभी जानते हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अनाधिकृत बांधकाम इतना हद तक फैला हुआ है कि जिसको बयां करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहां का जो अनाधिकृत बांधकाम है वो थोड़ा अलग तरह का है, क्योंकि यहां जितने अनाधिकृत बांधकाम है वो होटल और लॉज के रूप में है और एक होटल और लॉज सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम में ही सिमट कर नहीं रहते हैं। उसके लिए होटल में आने के लिए जो ग्राहक आते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था की जाती है और उस पार्किंग की व्यवस्था के चक्कर में इन होटल मालिकों ने इतना भरना भराव कर दिया, इतनी भरनी कर दी, इतना मिट्टी का भराव कर दिया कि पानी नालों में जाना बंद हो गया और वो पानी रोड पे बहने लगा। अब इन होटलों पे कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आप फिर एक बार जो विजुअल देख रहे हैं वही विजुअल आपको बता दें कि वाल्यू प्रभाग के हाईवे क्षेत्र का है, जहां पर काफी लंबी चौड़ी ये कार्यवाही वसई विरार महानगर पालिका द्वारा की गई है, जहां कई सारे होटल, अनाधिकृत टपरिया, अनाधिकृत बड़े बड़े होल्डिंग्स को तोड़ा गया है। कल की कार्यवाही में कुछ लोगों द्वारा बाधा डालने की भी जानकारी सामने आई थी। फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये कार्यवाही महानगर पालिका ने की, कलेक्टर साहब ने जो पत्र दिया वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या भरने के लिए महसूल डिपार्टमेंट जवाबदार नहीं है? क्या महसूल डिपार्टमेंट को ये भरने की माटी का भराव जो हुआ उसकी रॉयल्टी और उसका सबका ताल्लुक महसूल विभाग से नहीं है? तो कहीं ना कहीं इस चीज पर अंकुश अब कब लगेगा, यह बड़ा सवाल है। क्या फिर बारिश खत्म हुई और फिर इस तरह से भराव होकर फिर इस तरह से अनधिकृत बांधकाम खड़े होंगे या तब उनको रोका जाएगा? आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।